के जहन में कुछ आया तो वॉल्टियर किया किसी किसी चीज का हाथ होता है आ, उसको उस उसके बाद आपने क्या सोचा क्योंकि मैं देखता हूँ ग्रुप्स में काफी लोग कहते हैं कि आईएमएस क्या है और क्या किस तरह आगे बढ़ना है और क्या है और हम हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है कॉम्पिटेंस नहीं है नॉलेज नहीं है ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये पहले समझें कि आप कौन है हुट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अल्लाह की वो मखलूक है ठीक है ना जिसका नाम इंसान है और इंसान में सबसे जो बड़ी क्वालिटी है जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो अल्लाह ने बयान फरमा दी है कि वनफा हफी ही में रू ही राइट अपनी रूह में से वो रूह फूकी गई तो आपका जो तो ये बात आप सोचनी छोड़ दें कि यू डोंट हैव एनी इंटेलेक्ट और आपका आई लो है या ये है ठीक है उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें उसके बाद जैसे पहले बात हो चुकी थी कि आपने अपने आइडेंटिटी टैग्स हटा देने क्योंकि आइडेंटिटी टैग्स जब तक आपके साथ होंगे आइडेंटिटी टैग्स क्या है वो ये है कि अगर आप किसी खास स्कूल ऑफ थॉट या किसी खास उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं तो पहले तो क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए उन इन्फ्लुएंसेस को हटाना बहुत जरूरी है वरना आपका जो जहन है वो हर चीज को ब्लॉक करेगा सिर्फ उस चीज को अलाउ करेगा कि जो चीज आपके उस स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो आ, मुमासलत रखती है ठीक है तो ये तो पहली चीज आपको समझनी कि हु आर यू ठीक है उसके बाद अब जब एक ऐसा एक एक, एक इंसान जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से रूफ है उसका फिर वो सिर्फ खाने पीने सोने के लिए इस दुनिया में नहीं आया फिर आपने ये समझना अब आपने एज ए टीम लीडर अगर वॉलंटियर कर दिया है ठीक है वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कमिटमेंट होती है कि जैसे मैंने आपसे किसी बात का कह दिया कि मैंने वॉल्टियर किया कि मैं कल आपका ये काम करूंगा ठीक है उसके बारे में वो साहिल की एक हदीस की वो जो वीडियो थी वो भी थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने टाइम तक उस शख्स के लिए खड़े रहे थे क्योंकि वो एक कमिटमेंट हो गई थी एक कमिटमेंट के लिए वॉल्टियर कर दिया था तो वो कमिटमेंट आपको अपने सामने रखनी है कि यू हैव वॉल्टियर फॉर समथिंग इफ यू डोंट वांट टू डू इट दैट्स फाइन लेकिन यू हैव फॉर समथिंग उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं क्योंकि आप अब इमाम हैं उस ग्रुप के जो ग्रुप आपके हवाले होगा या जो क्लस्टर आप डिजाइन करेंगे उसके लिए आपको उस इमामत का रोल दिया गया है और उससे पहले हमने अगर सीरा से कोई मैसेज लेना है तो सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि 40 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लोगों में रहे तो जो सबसे दो बड़े टाइटल्स उनको मिले थे ना दैट नेवर लाइड किसी भी वजह से किसी भी से, अमीन ना सिर्फ फिजिकल टेंजेबल अमानतें उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई बात हो या जो चीज हो आपके पास जो अमानत हो उस अमानत का आपने ख्याल रखना होता है उसको वो आपकी चीज नहीं होती वो किसी और की चीज है आपके साथ ठीक है उस जिम्मेदारी को अदा करने का ख्याल आपने सबसे ज्यादा रखना है क्योंकि चालीस साल तक रसूल उस जिंदगी में रहे लेकिन स्टिल अल्लाह ने उनके बारे में क्या वो का फहदा के आपको स्टिल एक कंफ्यूजन थी कि ये सब कुछ क्या है और फिर हमने आपको हिदायत दी और उस हिदायत के बाद फिर उनकी ड्यूटी क्या थी जो सूरह मुदसर में उनसे फिर कहा गया कि यादसर उ अब जो है ये मैसेज आपने पहुंचाना है और चूंकि उनके बाद कोई नबी नहीं है कोई रसूल नहीं है तो दैट मैसेज इज यू एंड मी हम लोगों ने इसको पहुंचाना है लेकिन इस मैसेज को पहुंचाने के कुछ एटिकेट्स हैं कुछ एथिक्स हैं उसका कोई तरीका होता है ठीक है इफ यू वांट टू बी लीडर और आपने वॉल्टियर किया है टू बिकम अ लीडर तो उसके पीछे आपने ये सोचना है कि आपकी क्या नियत थी क्या वो लीडरशिप अल्लाह के लिए है आपने अल्लाह के लोगों की जिम्मेदारी उठानी है उनका इंटेलेक्ट जो है वो ऊपर करने की क्योंकि देखें इसीलिए मैं आपको खुद को पहचानने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें आ, इकबाल अः इकबाल जो थे ही ही वेंट एंड केम बैक तो उन्होंने खुद ही पे इतना ज्यादा इस वजह से वो फोकस किया क्योंकि हमारे लोगों का इंटेलेक्ट जब उन्होंने कंपेयर किया यूरोप के फलसफे पढ़ के एंड ही सौ के यार ये हम लोगों से ले जाई हुई किताबों के ऊपर जो है वो लोग इतना तरक्की करके और हम लोग अभी तक पीछे हैं वट इज द रीजन उनके यहाँ क्या ऐसी खसूसियात है एंड ही केम बैक एंड खुद ही पे सबसे ज्यादा एक वो था कि अपने आप को पहचाने ठीक है तो हमें फिर रसूल सल्लाम की जिंदगी से हमें वो सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन शेयर करते थे किस तरह से वो आगे करते थे बात को और वो उन्होंने जिस जिस तरीके से वो सब कुछ किया या अपनी दिन की तबलीग की वो सारा कुछ हमने उसको उसी तरह से कॉपी करना है तो इस वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रुप्स में जो चीजें शेयर होती हैं उसमें उसमें नॉइज बहुत होती है ठीक है नॉइज में आपको समझाऊंगा कि अभी नॉइज क्या होता है लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि यू आर बी द इमाम ऑफ योर क्लस्टर और हर इंसान से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा तो सही मुस्लिम की बिल्कुल शुरू के चैप्टर में जो है ना ये दो अहादीस आ गई हैं कि एक अनस है मालिक से रिवायत है कि वो शख्स कभी भी इमाम नहीं हो सकता लोगों का जो हर सुनी हुई बात को आगे कर दे वो वह हुआ बिखुल मतलब कभी भी उस वो नहीं हो सकता बाकायदा वाला यखून इमाम का के अल्फाज आए हैं इसमें ठीक है तो ये काफी तरकों से ये हदीस हमें पता लगती है तो लिहाजा इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने खुद भी इंप्लीमेंट करना है या आपने बाकियों को भी बताना है ठीक है अच्छा अब ये तीन जो है वो, आ, वो है। आ, आपकी आई गेस्ट स्क्रीन फुल नहीं है आपने अगर की हुई है तो हमें

ओके एनी वे सो अब इसमें सबसे पहली चीज आती है इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है हर वो चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो इन्फॉर्मेशन है आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं आपको माइल स्टोन दरख्त सब कुछ नजर आ रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन है ठीक है वो इन्फॉर्मेशन आप पांच हिस्सों के जरिए आप तक जो कुछ भी पहुंच रहा है वो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में सबसे मिनिमम चीज है जी मैंने एक अगर फर्ज करें चाय का कप पकड़ा हुआ है तो तो उसमें से मुझे जो इंफॉर्मेशन में इसका रंग क्या है फिर मैं टेस्ट करता हूँ इसके टेम्परेचर ये सब भी इंफॉर्मेशन है ठीक है हमारा ब्रेन इन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हम जब उस उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं एक दफा तो वो फिर हमारी नॉलेज बन जाती है ठीक है क्योंकि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने जहन के अंदर तरतीब देते हैं हम हमारा जितना पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसमें अगर उससे मुासरत रखने वाली चीजें हैं उसको हम सारा अरेंज करते हैं अरेंज करने के बाद हमें नॉलेज पता चल जाता है जैसे इस, इस एक चाय के कप के बारे में पता चल जाता है कि अगर ये गर्म है इसका एक खास रंग है इसका एक खास टेस्ट है वो सारा तो उससे हमें नॉलेज हो जाता है कि जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ये वाकई चाय है बिकॉज दैट इज आर एक्सपीरियंस ठीक है तो जिस चीज में आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो आपको पता नहीं है उस चीज़ का तो वो चीज़ अभी नॉलेज नहीं है वो इंफॉर्मेशन की स्टेज पे है तो उस चीज़ को शेयर करने से बहुत ज्यादा जो है आप उससे उससे दूर रहें चाहे किसी ने हदीस लिख कर और सही हदीस है और ये सही वो है और नीचे पूरा वो रेफरेंस जब तक आपने बुक में से उस चीज़ को चेक नहीं किया आपने अपनी रिसर्च नहीं की तब तक वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज नहीं बना ठीक है तो इंफॉर्मेशन यानी इतला को इलम बनाने के लिए आपने सबसे पहले खुद कंफर्म करना है जिस हद तक आप कंफर्मेशन कर सकते हैं आपने उस हद तक कंफर्म कंफर्म करना है बिकॉज आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि क्यों इसका ये जरूरी क्यों है अच्छा उसके बाद फिर नॉलेज uh, की स्टेज जब आ जाती है व्हेन वेन यू हैव दैट नॉलेज अब उस नॉलेज अब ये जगह भी शेयरिंग के लिए एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये आपकी नॉलेज है आप इसको जो है वो गैदर uh, कर रहे हैं ठीक है तो स्टिल इट्स नॉट इन द शेयरिंग इन द शेयरिंग वे अनटिल एंड अनलेस वो नॉलेज जो है वो किसी ऐसी वो इंफॉर्मेशन ऐसी सोर्स से आपके पास आई हो कि जो ऑथेंटिक सोर्स हो और वो सोर्स पहले से वेट हो चुकी हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सही बुखारी हमें पता है कि बुखारी और मुस्लिम के जो जो सही अहादीस है उसके ऊपर पूरा एक निज़ाम चल चुका है असमा और रिजाल का जो पूरा इलम है उसके थ्रू उन्होंने वो सारी हदीसें चुन चुन के हमें सही का बताया है तो हम हमारा एक कॉन्फिडेंस है उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे या फिर कुरान के हमें पता है वही के जरिए ये आया है और इसमें कोई शक नहीं है तो हम तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ ओथेंटिक होती है लेकिन उसके अलावा जितनी उसको हमें वेट करना पड़ता है उसकी वेटिंग के बाद वेटिंग प्रोसेस के बाद उसको रिसर्च करने के बाद वो हमारी नॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं ठीक है नॉलेज में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई बायस होगा किसी भी तरफ आपका आप अगर किसी खास एक फिक्का और एक खास एक नजरिए की तरफ अगर आप हैं तो उस नजरिए के खिलाफ जो भी चीज होगी वो आपका नॉलेज नहीं बन सकेगी क्योंकि वो आपका ब्रेन जो है वो डिस्कार्ड कर देगा नॉलेज वो चीज बनेगी कि जो आपकी आइडेंटिटी सब तो आइडेंटिटी टैक्स का हटाना जरूरी है इस इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में से नॉलेज तलाश करने के लिए इन सब गलत चीजों में से सही तलाश करने के लिए आपने अपना बायस या आपका जो जहन का आपके दिल का रुझान है किसी तरफ वो आपने खत्म करना है नॉलेज के बाद फिर तीसरा दर्जा है विस्टम यानी कि हिकमत और ये हिकमत में फिर ये होते हैं कि हिकमत में आपकी नीयत का बहुत बड़ा अमल दखल होता है कुरान में से अल्लाह ताला गुमराह भी कर सकता है बिल्कुल जो हिदायत पे नहीं होते जो उसको गलत नज़र से पढ़ते हैं या गलत नज़र से उसमें गलतियां निकालने के लिए पढ़ते हैं उन जिनको उनको हिदायत नहीं मिलती उनको विजडम और हिकमत नहीं मिल सकती विजडम और हिकमत के लिए आपकी नीयत हिदायत की होनी बहुत जरूरी है और उसके बाद फिर वो चीज़ें आप पे खुलती हैं कि जो ना तफसीर में आपको मिलेंगी ना किसी और किताब में मिलेंगी तो ये एक आपने वो करना है कि उसको और मैं आपको इसकी मिसाल एक देता हूं फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप आप में से कोई एक शख्स है जो कहता है मैंने शहद के ऊपर पी करनी मैंने एक थीसिस लिखना है ठीक है मुख्तलि फॉर्म्स ऑफ हनी वो जाके बीज को स्टडी करता है वो बाहर मुल्क में जाता है बीज को स्टडी कर लोकल स्टडी हर जगह से वो एक पूरा थीसिस तैयार करता है पीएचडी लिखता है डॉक्टर बन जाता है एंड ही इज डॉक्टर ऑफ बॉटनी और बायोलॉजी लेकिन अगर उसने उस शहद को चखा नहीं है तो वो विजडम वाले पार्ट पे वो अभी तक नहीं पहुंचा वो भी नॉलेज के पार्ट पे है नॉलेज उसके पास हर किस्म की आगे उसने रिसर्च करके सब कुछ चेक कर ले बट ही पार्ट जहां पे उसको चखने के बाद जो पता चीज चलती है ना दैट इज वेरी डिफरेंट तो उस विजडम की ये विजडम वो विजडम हमारा गोल होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन से ठीक है और ये इंफॉर्मेशन इनशाला मतलब हम आईएमएस के प्लेटफॉर्म पे आपको आपको वेट करके देंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है और वो आपके नॉलेज में आएगी उस प्रोसेस को हम आपके लिए इन आसान करेंगे दैट इज व्हाट द गोल ऑफ आई एम अच्छा उसके बाद फिर यकीन और ईमान के दर्जात ये मैं इसलिए जिक्र करना चाहता था कि जब आप इन सारी चीजों पर अमल करेंगे एज ए टीम लीडर ठीक है और आप उस तरह की फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे अपने क्लस्टर्स में जो उनको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये मतलब टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह से नहीं आ रही होती है और उनको एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक आप तरीके से उनको बताएंगे तो उनके यकीन के दर्जात बढ़ेंगे वो उनके जो यकीन के लेवल्स है वो बढ़ेंगे और वो किस तरह से जब भी आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं या यकीन करते हैं ठीक है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है मैं आपके पास आता हूँ ठीक है और मैं आपको कहता हूँ कि आ, आप कमरे में बैठे हुए अपने घर में मैं दरवाजा खटखटाया जी कौन वसीम साहब है यार बाहर आग लगी हुई है और यू नो इट कैन बी डेंजरस अब आप देखेंगे कि ये वसीम साहब कौन है क्या ये सच्चा आदमी है क्या ये सादिक और है कि नहीं है क्या ये जो बात कर रहा है इसमें कोई ऑथेंटिसिटी हो सकती है अगर तो मेरी वो रिपोर्ट या वो इमेज बना हुआ है तो आप यकीन कर लेंगे और आप अपनी सेफ्टी के तरफ जो है वो आ, आप कदम उठाना शुरू कर देंगे लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है क्योंकि अगर आपको यकीन है तो ये यकीन है मींस जो मैं बता रहा हूं कि नॉलेज के जरिए आपको यकीन आ गया कि यार नॉलेज की सोर्स ऑथेंटिक है तो मुझे यकीन है वसीम ठीक बात कर रहा होगा इसने कभी झूठ नहीं बोला तो देन यू विल ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू सेफ्टी लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये तो कोई बच्चा मुझे बता रहा है या कोई ऐसा शख्स है जो जिसको गलत फहमी भी हो सकती है या कोई झूठा भी है या कोई काजिब है तो आप यकीन नहीं करेंगे ठीक है आप क्या करेंगे आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कि वाकई है कि नहीं है आग अगर आपको कहीं धुआं छुआ नजर आया या उसके आसार भी नजर आए तो आप एनुल यकीन पे पहुंच गए आपने देख लिया कि वो चीज़ है तो सही बट स्टिल बाज लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा शोर करने के लिए उनकी क्यूरोसिटी इस दर्जे की होती है कि दे वांट दैट हक उल यकीन क्योंकि हकुल ये हकुलसिटी भी जो है वो इस ये आपको सेटिस्फाई करती है जब आप किसी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं ना किसी चीज़ पे आपको एतम आ जाता है आपके अंदर एक सेटिसफेक्शन उतरती है कल्ब में अल्लाह ताला आपके दिल में एक तस्किन और सुकून उतारता है उससे तो वह यकीन के बाद भी और इसकी बड़ी मिसाल हमें कुरान में मिलती है जब सैयदना इब्राहिम ने अल्लाह ताला से कहा था कि वो नबी भी थे और वो तो उस दर्जे पे फायस थे लेकिन वो फिर भी कहा कि अल्लाह मुझे अंदाजा करना है मतलब मुझे नहीं पता कि तू किस तरह से जिंदा करेगा मैं देखना चाहता हूँ मतलब ये उनकी क्यूरोसिटी थी तो अल्लाह ने फिर उनको दिखाया वो परिंदों का जो पूरा वाक्य है इसी तरह मूसा ने अल्लाह को देखना था उनकी भी वो हक्कीन यकीन एक था ठीक है फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुद मेराज जो है उस पर बुलाकर और उसको सारी चीज़ें उनको दिखाई तो दीज आर द लेवल्स ऑफ यकीन और इस यकीन को अपने क्लस्टर के अंदर डालने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम विद दी विदर्स ठीक है कि अगर यकीन पे लाना है तो वो सोर्स ऑथेंटिक होनी चाहिए एनुल यकीन पे लाना है तो आपने वो चीज दिखानी है जो ऑथेंटिक हो तो ठीक है तो उसके बाद हकुल यकीन का रास्ता अल्लाह ताला जो है वो आसान फरमा देता है ठीक है तो ये तो बेसिकली यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो अगर किसी को इनमें से कोई चीज नहीं समझ आई कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया

ओके okay, ओके okay. तो चलिए फिर एंड कर देते हैं मैं मैं जो है आप अपने क्वेश्चन विजडम के बारे में बस क्वेश्चन आ रहा है कि विजडम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अच्छा तो विजडम मैंने आपको बताया ना कि विजडम जो है वो जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन जब जब उसमें से आप कांट छांट करके अपने दिमाग के जरिए उसमें से सही चीज़ आप निकाल लेते हैं और सही चीज़ आपका ये सही चीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको पहले से पता होता है कि ये सही है या ये गलत है आप उसकी तहकीक करते हैं तो तहकीक के जरिए जब आप सही चीज़ निकाल लेते हैं और आप को पता लग जाता है कि हाँ मेरी तहकीक के मुताबिक इस पूरे इंफॉर्मेशन में ये चीज़ सही है जो गलत चीज़ है वो नॉइज है ठीक है क्योंकि आपको सच्ची झूठी हर किसान और आजकल के दौर में तो हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आपके एक क्लिक के ऊपर तो आप जब उसमें से सही का इंतख्या कर लेते हो नॉलेज बन जाता है लेकिन जब आप उस नॉलेज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना तो वो विजडम बनता है आपका फिर आपने उसको बाकायदा फिर आप उस हक उ यकीन के दर्जे पे पहुंच जाते हैं कि हाँ यार ये चीज तो मैंने ट्राई करके देख ली और ये एक ये पॉइंट जो है वो आ, जो है वो साहिल की भी एक वीडियो में था कि व्हेन व्हेन अ पर्सन रीचेस 40 तो उसको बहुत सारी चीजें ना 40 की एज के ऊपर उसको एक नया एक एक फ्लैशबैक होता है और फिर उसको सारी चीजें क्लियर होती हैं क्योंकि इतना अरसा जब आपने गुजार लिया होता है एक सोसाइटी के अंदर तो आपको पास फिर जो भी आपका नॉलेज होता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की का, का, चांस मिलता है और प्रैक्टिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बाद उससे जो नतज सामने आते हैं उससे आपका विजडम क्रिएट होता है फिर आप उसको जिस तरीके से एनालाइज करते हो तो दैट इज नोन एज विस्टम जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको शहद की चखना और उसके बारे में uh, इल्म लेना इस दोनों में फर्क है अच्छा uh, अब आपने बिफोर शेयरिंग क्या चीजें देखनी है बिफोर शेयरिंग सबसे मेन चीजें जो आपने देखनी है वो ये है कि सबसे पहली चीज है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पर्दा रखने का अल्लाह ने जो है वो हमें हुक्म दिया हुआ है और पर्दा हमने हर सूरत में कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है अगर आपके साथ कोई ऐसी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है आपको कुछ पता लगता है कोई ऐसी गलत बात पता लगती है तो पहली बात तो यह है कि अगर उससे दूसरों का नुकसान हो रहा होता है तो शेयर इट विद द द विद पीपल हु जो आपके कोऑर्डिनेटर्स uh, हैं या फिर आपके जो भी ग्रुप में uh, जो कैप्टन हैं उनके साथ आप शेयर करें कि भाई ये मसला है ठीक है उसको आप पब्लिकली ग्रुप में uh, जो है वो शेयर ना करें अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता भी है ठीक है क्योंकि इसकी बड़ी सारी वजूहत है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें और अगर करनी पड़ जाए क्योंकि इससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा तो है तो डू शेयर इट विद आर दोबल एंड हु कैन टेक एक्शन ठीक है ग्रुप में उसे शेयर मत करें एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में शेयर हो रही है अगर वो आपको पता लगता है कि वो एक्यूरेट नहीं है वो सच्ची नहीं है वो झूठ है बहुत ही प्यार से आपने जो है अगले बंदे को ये कहना अगर कोई और शेयर कर रहा है तो आपने बहुत प्यार से उससे ये करना है कि प्लीज देखें ये पॉलिसीज के खिलाफ है क्योंकि ये आई की पॉलिसीज में नहीं है कि आप जो है इस तरह का कॉन्टेंट शेयर करें तो लिहाजा प्लीज आप खुद इसको डिलीट कर दें तो इट्स बेटर कि वो बंदा उसको खुद डिलीट कर दे उसको आप प्यार से कहेंगे तो हो जाएगा दे विल डिलीट इट और ये अपनी पॉलिसी रखें कि गलत इंफॉर्मेशन और इस किस्म की चीजें शेयर ना हो ठीक है उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई बात शेयर करेंगे तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज शेयर की थी तो ये तो फला ने भेजी थी मुझे या मैंने तो फला से देखी तो मैंने सोचा मैं शेयर कर बिकॉज दैट इज दैट इज नॉट एन आपसे आपसे पूछ अगर उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से कोई भी ऐसी चीज होती है कि जो गलत है या जो सही नहीं है तो उसमें आप की अकाउंटेबिलिटी होगी अल्लाह के यहां तो होगी होगी क्योंकि आप बगैर तहकीक के शेयर कर रहे हैं और मैंने आपको इससे पहले ये पूरी तमीद इसलिए मान कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी अकाउंटेबल फॉर शेयरिंग दैट आर शेयरिंग ठीक है तो लिहाजा इसलिए अपने इन ग्रुप्स को जो है वो बड़ा ही आई एम एस टेलर्ड रखें और आपको किसी भी चीज पे कोई क्वेश्चन है कंसर्न है जस्ट एस कस लेट अस नो और अगर अगर मुख्तलिफी चीजें शेयर हो रही हैं आप ग्रुप में देख रहे हैं तो प्लीज उनको मना करें नहीं मना होते फिर लेट अस नो एंड लास्ट इज कॉन्टेक्स्ट एंड रेलिवेंस कॉन्टेक्स्ट एंड रेलिवेंस क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नॉइज नहीं क्रिएट हो जैसे मैंने बताया ना कि आप बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की और बात चल, चल पड़े कि जी आ, कुर्बानी में गाय में कितने हिस्से होने चाहिए तो दैट आर टोटली नॉट नॉट रेलेवेंट और वो डिस्कशन उसमें नॉइज क्रिएट होती है इसकी वजह से आपके जो लोग हैं वो ग्रुप छोड़ के जाने लगेंगे तो लिहाजा उसको बिल्कुल रेलिवेंट रखें उस इंफॉर्मेशन को और कोशिश करें कि वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में हो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी जा रहा है आप बड़े गैर आरदी तौर पे आप अगले को बता सकते हैं कि प्लीज कैन वी कम बैक टू दिस टॉपिक और आप उस तरीके से उस डिस्कशन को मोड़ने की कोशिश करें तो लिहाजा ये कोई छोटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही तो बेसिकली हमारा मकसद ही यही है इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम इस्लाम का मैसेज पहुंचाना अगर हम ये बेसिक इसको ही नहीं देखेंगे कि शेयर क्या हो रहा है क्या वो इस्लाम का मैसेज है भी कि नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी the आपने एज अ टीम लीडर एक इमाम होने का रोल लिया हुआ है लेट मी टेल यू दैट इन फॉर बीइंग एन इमाम ऑफ द पीपल ऑफ योर क्लस्टर आर अ टीम लीडर ठीक है आप आम कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ आपने आपने बाकायदा अल्लाह का मैसेज पहुंचाने का ग्रुप बनाया हुआ तो प्लीज जस्ट इन चीजों का ख्याल रखें और कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो डू लेट अस नो ठीक है तो आई थिंक आई स्टॉप शेयरिंग हेयर खैर वसीम ये आज के आप से, आपके सेशन से जो है काफी चीजें क्लियर हुई होंगी जो हम लोग भी आईएमएस में जो आईएमएस की पॉलिसी है हम सब पे जो है ट्रांसपेरेंसी और आ, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसके ऊपर पूरा सेशन था वाई डू वी नॉट इनकेज और uh, हम क्यों शेयरिंग से आगे मना करते हैं कि अभी कंटेंट शेयरिंग नहीं होनी कोई कंटेंट शेयर ना करें रिकॉर्डिंग शेयर ना करें लिंक शेयर ना करें सो इट इज बिकॉज क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आती है अगर प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म से शेयर हो रहा है और इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हम लोग यू you नो know, अगर तीस से पचास हजार बंदा कोई चीज शेयर कर रहा है तो हर चीज चेक कर सकें तो अगर हम कोई चीज़ चेक नहीं कर सकते जब तक हम चेक नहीं कर सकते तब तक हम शेयर भी नहीं यू नो ऑबसली कर सकते तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ शेयर हो रही है क्या चीज़ नहीं शेयर हो रही वेल वेरी वेल एक्सप्लेन बहुत अच्छे टॉपिक्स थे और uh, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम बिल्कुल ले लेते हैं फीडबैक मेरे पास अभी काफ़ी आ गया है कि सेशन uh, जो है ना प्रोलॉन्ग हो गया वन आवर का था और टू आवर पे पहुंच गया uh, बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना नेक्स्ट टाइम हम लोग uh, में रखेंगे और सेशन जो है हम लोग सिर्फ उतनी चीज उसके अंदर ऐड करेंगे जितना टाइम दी जो है ना वो कवर हो जाए इंशाल्लाह क्वेश्चंस वसीम आप ले ले आप अगर आपने क्वेश्चंस अपने सेशन uh, uh, के question है uh, यासिर इकबाल है uh, यासिर इकबाल आपने सवाल किया है इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें आपने पूछा है कि आदम का जवाब देना इंफॉर्मेशन था या नॉलेज व्हाट डू यू मीन बाय दैट इट्स अ गुड पहले अपना क्वेश्चन बताइएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो लोग सुन रहे होंगे उनको क्वेश्चन नहीं जाएगा ना इसमें प्लीज करें यस yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला अल्ला ने हजरत तजरत सलाम से सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में इंफॉर्मेशन जो उनके अंदर पहले से मौजूद थी अल्लाह ने सिखा रखी थी वो बाहर आ गई तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या ऐसा है कि एक सवाल का फर्क होता है मतलब अगर कोई मुझे कुछ बता रहा है मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन है लेकिन अगर मैं उस चीज के बारे में ही सवाल रखता हूँ पहले से और मुझे वो सुनाई देती है वही बात जो पहले इन्फॉर्मेशन थी तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है क्या ऐसा है नहीं जैसे मैंने आपको बताया ना इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहे आपका दिल हो या ना हो आपके पास पहुंच रही है ठीक है अब वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत ठीक है ना ये आपने उसका तयन करना है आदम आसम से अल्लाह ने जब सवाल किया तो अल्लाह ने कहा था मैंने इनको चीज़ों का इलम दिया है इलम दिया है ठीक है नॉलेज दी है इंफॉर्मेशन नहीं है इतला नहीं है ठीक है तो मुतला नहीं किया इंफॉर्मेशन ये कि आपने इतला दे दी और इलम ये है कि बाकायदा उनके अंदर वो नॉलेज जो है वो थी क्योंकि आदम की जेनेटिक्स में उनके डीएनए में वो सारी नॉलेज जो कि हम इस दौर तक इंसान की तरक्की में देख रहे हैं जैसे वो है ना उरूज आदम खाकी से खाकि जाते हैं तो बेसिकली वो सारा उनके डीएनए में और उसमें ऑलरेडी अल्लाह ने एज एन इंसान उनमें रख दिया था और इसकी मिसाल ऐसी जैसे आम की घुटली के अंदर पूरा आम का पोटेंशियल दरख्त मौजूद है बल्कि एक क्या कई दरख्त मौजूद है एक घुटली से आप पूरा एक जो है ना एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं तो वो पोटेंशियली उस डीएनए में मौजूद है उस गुटली के जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएंगी वैसे वैसे वो प्रोग्रेस करता जाएगा तो अल्लाह ने यह निज़ाम रखा ही इसीलिए इसी, इसी वजह से हम टाइम के अंदर हैं टाइम इज आर थर्ड आ, आर फोर्थ डायमेंशन के वो बेसिकली आ, वो सारा तो वो नॉलेज था इट वॉज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जरिए मिल रही है ठीक है चाहे वो हम पढ़ के देखते हैं चाहे हम देख रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है दिमाग उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करेगा जो उसके फायदे की नहीं होगी लेकिन इसका यह मतलब अगर रसूल ने तब्लीख की थी तो वो नॉलेज की तब्लीख की थी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे वो इतला नहीं दे रहे थे वो नॉलेज दे रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट किया वेल well, और बहुत से लोगों ने उसको कबूल किया उस दौर के अंदर भी तो इट वॉज नॉलेज इट वॉज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज एनी थिंग दैट कम्स थ्रू फाइव सेंसेस पांच हेसों के जरिए जो भी इतला आपको मिलती है वो इंफॉर्मेशन है जी और कोई सवाल पायजा पायजा आपका सवाल है कोई जी शबनम आपका हाथ है मेरा सवाल यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि चालीस साल की उम्र के बाद इंसान के कुछ दिमाग के कुछ से और रोशन होते हैं और कुछ और बातें इंसान को समझ में आती हैं तो लेकिन कुछ लोग जो हैं चालीस के अब साठ सत्तर के भी हो जाते हैं तो उनका उनके ऊपर कुछ नहीं खुलता वो कुछ नहीं समझते इसकी क्या वजह है Uh, ये क्वेश्चन इससे पहले के वसीम आंसर करें मैं आपको बता दूं ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ये ना जो एज वाली साइकोलॉजी और केमिस्ट्री केमिस्ट्री है न, कि कैसे है ना लॉक होती और कौन सी एज पे किस तरह आपका ब्रेन डेवलप होता है और की क्या होती है? Uh, वसीम इफ यू टू आंसर आप भी थोड़ा सा मुख्तर मैं आपको बताता हूँ होता हर एक को है, किसी को महसूस होता है महसूस भी हर एक को होता है कोई उसको जाहिर करता है कोई नहीं करता तो चालीस साल की एज जो है ना ये अल्लाह ताला ने बड़ा ही खास वो रखी हुई है जिसपे में जिक्र करेंगे होता हर एक को है ठीक है लेकिन आ, आ, उसको उसको जाहिर करने का अमल बाज़ लोग में जाहिर होता है बाज लोगों में नहीं होता ठीक थैंक यू जी नेक्स्ट उस्मान आपका हाथ रेज जी उस्मान आपका क्वेश्चन वालेकुम सलाम जी uh, मेरा आपसे क्वेश्चन था एक तो विजडम के बारे में क्या विजडम जैसा आपने इस टाइप्स की हैं जस्ट इट केम थ्रू एक्सपीरियंस और बिकॉज जो मैंने थोड़ी बहुत अपने तौर पे रिसर्च किया उसमें तो डिफरेंट टाइप्स विजडम के इट कैन बी फ्रॉम Uh, हिदायत के तौर पे या yeah, पिचुअल भी हो सकती है विस्टम आपको या इट इज फ्रॉम अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल आपको गिफ्ट भी मिल सकता है इन फॉर्म डिफरेंट फॉर्म एक्सपीरियंस के थ्रू भी आ सकती है तो ये थोड़ा इलेबोरेट कर दें एंड सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था आयन यकीन और हतुल यकीन के बारे में जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी हजरत इब्राहिम की तो हजरत इब्राहिम ने Uh, देखा था रिजर्वेशन uh, का जितना भी प्रोसेस था अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एनुअल यकीन कैन बी इक्वल टू हरकुल यकीन के एनुअल यकीन और हरकुल यकीन इक्वल हो सकते हैं एट सम पॉइंट्स एट सम लेवल या नहीं ये दो क्वेश्चन जी अच्छा पहले तो मैं दूसरे सवाल का पहले बता दूं एनोल यकीन जो है ना एनोल यकीन कैन बी अ डिसेप्शन ठीक है डिसीव भी हो सकता है शैतान भी ख्वाब में आ सकता है वो भी आप देख रहे होते हैं एनोल यकीन है आप कोई चीज देखते हैं आप हेलुसिनेट भी कर सकते हैं आपका ब्रेन भी इमेजेस बना सकता है वो एनोल यकीन होता है हकुल यकीन वो होता है कि जब आप अपने पूरे तरीके से आप उसके ऊपर मतलब आप आग के करीब गए उस आग की तपिश आपने महसूस की उसका धुआं आपने अपने हालत में महसूस किया देन आप हकुल यकीन पे बोल कि आई एम नॉट किलूसिनेटिंग दिस इज समथिंग रियल So हजरत इब्राहिम की जो मैंने मिसाल दी थी वो सिर्फ उन्होंने आंखों से नहीं देखा था उन्होंने उन्हों परिंदों को पाला था अपने साथ और पालने के बाद उनको मार के उनका जो है ना एक किस्म का कीमासा बना के एंड मिक्स इड तो उन्होंने पूरा प्रोसेस खुद किया और उसके बाद जब उन परिंदों को आवाज दी तो वो जिंदा होकर उनके पास आ गए तो दैट वॉज एक्चुअली टू रेज हिम टू दैट हक्ल यकीन ठीक है तो अः और फिर अल्लाह अपनी निशानियां जिसको जितनी दिखाता है उस हिसाब से फिर आपका वो जहां पर आपकी बात आई विजडम की और नॉलेज की तो विजडम इज अ टूल राइट अः वो विजडम आप वो विजडम जो है ठीक है अगर जो अल्लाह पे यकीन नहीं करता वो भी बड़े वाइज लोग होते हैं ठीक है उनमें भी वाइज पाए जाते हैं लेकिन उस टूल को अल्लाह ताला यूज कर सकता है आपके अंदर डेवलपमेंट जो है ना वो आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि अल्लाह का वो हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं ना कि जो शख्स जो मेरा वली है या जिससे जिससे मैं दोस्ती करता हूँ तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चल के जाता है तो दैट इज़ द एपिटमी ऑफ दैट विजडम ठीक है ना वो अपीटमी पे जो है वो अल्लाह आपको पहुंचा सकता है लेकिन उस एपिटेमी से नीचे के लेवल्स आप नॉलेज के नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस के जरिए आप उस विजडम को उस टूल को आप शार्प कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यस आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं बिकॉज़ ऑफिशियली हम टाइम से आगे निकल गए हैं हाँ, तो हां और कोई क्वेश्चंस होंगे तो फीडबैक में जरूर कीजिएगा इन सेशंस के क्वेश्चंस आपने अपने कैप्टन से और कम्युनिटी हेड से नहीं करने हैं। मैं पहले दो, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हैं इन सेशंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने नेक्स्ट सेशन में हमसे ही करने हैं ठीक है या फिर आप अपने फीडबैक फॉर्म में लिखें जो ज्यादा क्वेश्चन हमें रिसीव होंगे हम लोग उनके आंसर जो है ना उस ने फीड सेशन में इंशाला देने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सेशन के दौरान हम लोग फीडबैक सेशन भी रखा करेंगे जिसमें क्वेश्चन मिस हो गया कुछ तो वो सिंपल डिस्कशन फोरम में हम उसको डिस्कस करेंगे जितने भी एक दो आ, ट्रेनिंग सेशंस या स्किल सेशंस के बाद एक फीडबैक सेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह जजाक अल्लाह खैर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे वसीम हम लोग इसको आप कंक्लूड करते हैं ओके ओके जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वसीम थैंक यू सो मच ये फीडबैक फॉर्म प्लीज़ याद से फिल कर दीजिएगा इस वक्त टू थर्टीन लोग हैं यहाँ पर मुझे टू थर्टीन फॉर्म्स चाहिए बिकॉज आई नीड दिस फीडबैक ताकि मैं आ, इस डिस्कशन फॉरम में इसको बेहतर कर सकूँ और बेहतर कर सकूँ जो चीज़ पसंद आई है वो भी लिखें जो नहीं पसंद आई जो होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें आपने सीखनी है कौन कौन से, से, सेशन आपको चाहिए और अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उसके बारे में उसका भी हमें जो है ना बताएं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखते हैं सजेशन uh, में सो वी कैन यू नो रीच यू उसमें तरीका एक ही है कि डेमो आपका और आपकी प्रेजेंटेशन हम लोग फॉरवर्ड uh, करेंगे वो अप्रूव होके आएगी तो यू कैन यू नो गिव देशन इन शाकला खैर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है सलाम वरहम्ह वरकू